खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जनपद कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए विकास खंड स्तरीय प्रबंधन समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सुबह 8 से 3 बजे तक खुली रहेगी किराना दुकान। पेटलावत विकास खंड एवं तहसील में भी नगरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किराना व्यापारियों को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ खोलने जाने की अनुमति रहेगी। वहीं निर्माण गतिविधियां एवं कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां निरंतर जारी रहेगी। इन व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त प्रकार की व्यापारिक दुकानें, प्रतिष्ठान एवं होटल आदि अभी पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। किराना व्यापारियों को भी अपने दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही अपनी दुकानें संचालित किए जाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर SDM शिशिर गेमावत, SDOP सोनू डामर, तहसीलदार जितेंद्र अलावा, थाना प्रभारी संजय रावत, सांसद प्रतिनिधि राजेश कासवा, मूलचंद नीनामा, नगर परिषद अध्यक्ष मनोहर लाल बटेवरा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू माड़ोत, रायपुरिया मंडल अध्यक्ष शांतिलाल मोनिया सहित कई समिति के सदस्य उपस्थित थे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अनलॉक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी छूट की जगह करके शुरू किया जाएगा, जिसमें मान लीजिए जो एग्रीकल्चर संबंधित ट्रेड हैं, जिसमें मान लीजिए जो मॉनसून संबंधित ट्रेड हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए टिन शेड का काम हो गया या कृषि संबंधी कोई भी ऐसा औजार संबंधी कुछ भी काम हो गया वगैरह, बहुत सारे दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको खोलने का थोड़ा रहेगा, तो आदेश के अंदर आज लीजिए में हमारे को मिल भी जाएगा जो करेक्ट साफ निकालेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा क्या क्या बनेगा। तो उन 5 जिलों में मतलब झाबुआ भी है, अलीराजपुर भी है और हिंड और मिजो जिले और हैं। झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।